1913 में आज ही के दिन भारत की मशहूर महिला चित्रकार अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। सिख पिता और हंगरी मूल की मां मेरी एंटोनी गोट्समन की पुत्री अमृता महज 8 वर्ष की आयु में पियानो वायलिन बजाने के साथ साथ कैनवास पर भी हाथ आजमाने लगी थी। 1932 में अमृता ने अपनी पहली सबसे महत्वपूर्ण कृति यंग गर्ल्स प्रस्तुत की और इसके जरिए उन्हें पेरिस में एसोसिएशन ऑफ द ग्रैंड सैलून तक पहुंचने का मौका मिला। 1933 में उन्हें पेरिस के द ग्रैंड सैलून का एसोसिएट चुन लिया गया। यह सम्मान पाने वाली वह पहली एशियाई और सबसे कम उम्र की कलाकार थी। 1937 में उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा की और अपनी दक्षिण भारतीय रचना ब्राइड्स टॉयलेट, ब्रह्मचारीज और साउथ इंडियन विलेजर्स गोइंग टू मार्केट प्रस्तुत की थी, जिसमें भारतीय विषयों से सहानुभूति और संवेदना साफ झलकती है। १९३४ में आज एक दिन जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर का शासनकाल का आरंभ हुआ। जर्मनी के संसदीय चुनाव में हिटलर की नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को 1930 में 107 सीटें मिली, जिसके बाद हिटलर जर्मनी के चांसलर और फिर 1934 में राष्ट्रपति बने। जर्मनी की सत्ता हासिल हो जाने के बाद हिटलर ने SS नामक अत्यंत भयानक सुरक्षा सेवा का गठन किया और अपने विरोधियों के लिए खतरनाक जेलें बनवाई। हिटलर ने अपने जातिवादी लक्ष्यों के लिए लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सितंबर 1939 में पोलैंड पर आक्रमण करके उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध की आग भड़काई, जिसके बाद जर्मनी और उसके घटक देशों की पराजय हुई। हिटलर ने इस पराजय के बाद सन 1945 में आत्महत्या कर ली। 1948 में आज एक दिन राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या हुई थी। शाम करीब 5:17 पर गांधी जी दिल्ली के बिरला हाउस में एक प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने जा रहे थे। उस दिन प्रार्थना सभा के लिए गांधी जी को 5 मिनट की देर हो गई थी। गांधी जी आभा और मनु के कंधों पर अपना हाथ रखकर प्रार्थना सभा की ओर बढ़ रहे थे, तभी सामने से नाथूराम गोडसे ने गांधी जी पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। जब तक किसी को कुछ समझ आता, 78 साल के महात्मा गांधी की हत्या हो चुकी थी। महात्मा गांधी के आखिरी शब्द हे राम थे। बाद में महात्मा गांधी की हत्या के दोष में नाथूराम गोडसे और साजिश रचने वाले नारायण आप्टे को फांसी दे दी गई थी। 1972 में इंग्लैंड में ब्रितानी सेना को प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ पर गोलियां चलानी पड़ी थी। इस गोलीबारी में 13 नागरिकों की मौत हो गई थी। दरअसल लंदन डेरी के बॉक्स साइड जिले में हुई इस गोलीबारी में 17 लोग घायल भी हुए थे, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। इस घटना के बाद सेना ने अपने 2 जवानों के घायल होने की बात कही थी, जिसके बाद 60 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। गोलीबारी तब शुरू हुई जब नागरिक अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे लोग परेड और मार्च पर लगे प्रतिबंध को खारिज करते हुए पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड तक पहुंच गए थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन निकाल रहे इन लोगों की संख्या 7,000 से 10,000 के करीब थी, जो बिना मुकदमा चलाए लोगों को हिरासत में लिए जाने की नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और 1991 में इराकी सेना ने सऊदी अरब की सीमा के नजदीक एक शहर पर नियंत्रण कर लिया था। अमेरिका के नेतृत्व में सहयोगी देशों की सेना ने अल खाफजी पर नियंत्रण के लिए कम से कम 24 इराकी टैंकों को बर्बाद कर दिया था। इस हमले में 12 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी। दरअसल इराक को संयुक्त राष्ट्र ने कुवैत से हटने का अल्टीमेटम दिया था, जिसे उसने मानने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने इराक के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत की थी। दरअसल ईरान के साथ जंग के लिए कुवैत ने इराक को काफी फंडिंग की थी। जंग खत्म हुई तो इराक कर्ज में डूब चुका था और उसने कुवैत को कर्ज माफ करने के लिए कहा। कर्ज माफी को लेकर कुवैत के साथ सहमति ना बनने पर इराक ने उस पर हमला कर दिया।